कोतवाली थाने में पिछले दिनों एक नाबालिग बालिका बिना बताए घर से चली गई थी। बाद में जब इस मामले में नाबालिग से अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोतवाली थाना TI वीरेंद्र झा ने बताया कि नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में 40 वर्षीय संतोष कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बालिका को जब्त कर उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है। TI ने बताया कि आरोपी इसी प्रकार से चाल चलन का है। ऐसी शुरुआती जांच में मालूम चला है कि उन्होंने बताया कि नाबालिग के अपहरण की धाराओं के अलावा आरोपी पर पास्को एक्ट की भी धाराएं दर्ज की गई है। गंजे बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जी, विगत दिनों एक नाबालिग बच्ची के भागने का प्रकरण कायम हुआ था, जिसमें अपहरण की धाराओं के साथ में विवेचना की जा रही थी। आज उक्त नाबालिग बच्ची को दस्तयाब किया गया एवं जो आरोपी है जिसकी उम्र 40 साल संतोष कुशवाहा नाम है को भी गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, इन पर कोई पहले से भी केस चल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो इस तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है, परंतु जो आरोपी है वो इसी किस्म का रहा है। और चूंकि बच्ची नाबालिग है तो इसमें पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं का भी समावेश किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।